आज मैं आपके साथ जामुन की आइसक्रीम शेयर कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। जामुन की आइसक्रीम बनाने के लिए ना तो मैंने मिल्क का यूज़ किया है, ना मिल्क पाउडर और ना ही कोई कलर या एसेंस। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये अनोखी फ्रेश नेचुरल जामुन आइसक्रीम। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। आज की हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट जो जामुन है, तो इन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये मैंने 250 ग्राम्स लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें कट कर लेंगे और इनके बीज जो हैं वो हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से सारे जामुन जो हैं उन्हें मैं कट कर लेती हूँ और इसका पल्प हम अलग कर लेते हैं। तो सारे जामुनों के मैंने बीज जो हैं वो अलग कर दी हैं। और फ्रेंड्स, आजकल इनका सीज़न चल रहा है, ये सीजनल फ्रूट है, तो आप इस रेसिपी को इस सीज़न में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये पसंद आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर का जार ले लेंगे और ये सारे जो हमने जामुन कट किए हैं ये हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही में इसमें मैं डालने वाली हूँ 1/3 कप शुगर का, तो इसी में डालते हैं। तो इसकी मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो इसे हमने पीस लिया है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है इसका। तो इसे अब हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि इस आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सारी चीज़ें जो हैं चिल्ड चाहिए। तो जब तक हम अपनी विप क्रीम को करते हैं विप, इसे हम रख देते हैं फ्रिज में। और फ्रेंड्स, मैंने 250 ग्राम जो लिए थे जामुन, उसमें से मैंने कुछ जामुन रख दिए हैं। तो जामुन के क्रश को हम रख देते हैं फ्रिज में और अपनी आगे की रेसिपी जो है उसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप विप्ड क्रीम लिया है, इसे ले लेते हैं बाउल में और ब्लेंडर के मदद से हम इसे विस्क कर लेते हैं जब तक ये पीक्स जिसके फॉर्म ना हो जाए और ये बिल्कुल स्टिफ ना हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे विस्कर के साथ कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बट हो जाता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से विस्क कर लेते हैं। यहाँ पर मैं स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। क्रीम हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से फिट चुकी है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल डबल हो गया है इसका वॉल्यूम। अब इसमें हम मलाई डालेंगे, ये नॉर्मल जो हमारे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है ये वो है, तो ये 2 चम्मच इसमें डालेंगे। तो लो स्पीड पे हम इसे मिक्स कर लेते हैं, बस सिर्फ हमने मलाई को इसके साथ मिक्स कर लेना है और बस बंद कर देंगे इसे। तो हमारी विप क्रीम अच्छे से हो चुकी है विप। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्यूरी बनाई है ना, ये हम थोड़ी थोड़ी इसमें डालेंगे और साथ ही में हम इसे हैंड विस्कर से मिक्स कर लेंगे। बाकी की जो रह गई है उसे भी हम मिक्स डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का बैटर रेडी हो गया। तो चलिए इसे अब सेट करने के लिए हम रख देते हैं एक कंटेनर में डाल के। तो इस तरह से एक आइसक्रीम का मेरे पास कंटेनर है, तो मैं ये क्या करती हूँ, सारी जो आइसक्रीम है इसमें डाल देती हूँ और इसे हम सेट करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है ये आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। सारी आइसक्रीम हमने इसमें डाल दी है, थोड़ा सा इसे टैप कर देते हैं, इसे हम सेट करने के लिए रख देते हैं फ्रीज़र में। 2 घंटे के बाद हम आइसक्रीम को फ्रीज़र से बाहर निकाल के उसमें जामुन का क्रश ऐड करेंगे। दोस्तों, हमारी अगली रेसिपी पिज़्ज़ा नगेट्स की है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस रेसिपी को देख सकें। 2 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था और आप देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी इस तरह से सेट हो चुकी है। और हमने जो जामुन रखे थे, 10 से 12 जामुन हमने अलग से रख दिए थे गार्निशिंग के लिए, तो उस जामुन को भी मैंने अच्छे से काट लिया था, बीज निकाल दिए थे और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है शुगर का डाल के उसकी इस तरह से एक पेस्ट बना ली है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी जो आइसक्रीम है इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत सॉफ्ट बनती है फ्रेंड्स ये आइसक्रीम, और जल्दी मैं आपके साथ इसके बेस आइसक्रीम की भी रेसिपी शेयर करूंगी ताकि आप एक बेस की रेसिपी देखने के बाद बहुत तरह की आइसक्रीम, बहुत फ्लेवर्स की आप आइसक्रीम बना सकोगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी आइसक्रीम निकाल ली है और इसमें मैं मिक्स करूंगी ये जो हमने प्यूरी बनाई है। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने अब मिक्सर का यूज़ नहीं करना है, हम इसे इसी तरह से मिक्स करेंगे या फिर आप हैंड विस्कर से इसे मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो प्यूरी बनाई थी उसे मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो हमारे पास 2 शेड की आइसक्रीम हो गई है। तो चलिए इसे अब हम सेट करते हैं।
तो मैं यहाँ पर एक टिन ले रही हूँ, इस तरह का मैंने टिन लिया है। तो इस तरह का टिन जो है मार्केट में भी आराम से मिल जाता है। मैं इसकी लिंक डाल दूंगी कि आप इसे कहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक बेस बना देंगे यहाँ पर, हल्की सी एक पतली सी लेयर बना देते हैं इस आइसक्रीम का। इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी जो हमने डार्क कलर वाली बनाई है उसे भी डाल लेते हैं, फैला देंगे इसे। और इसके ऊपर फिर से हम लाइट शेड डालेंगे, इसे भी फैला देंगे। तो लाइट शेड वाली हमने सारी डाल दी है, और अब हम क्या करते हैं, ये जो डार्क शेड की है इसे भी हम ऊपर इस तरह से फैला देते हैं। तो जितनी है सारी, मैं इसका लास्ट लेयर है इसे भी मैं डाल के फैला लेती हूँ। तो ये देखिए हमने इसे कर दिया है प्लेन, और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लेते हैं ताकि कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं एक छोटा जो विस्कर है वो लूँगी, इस तरह से जो विस्कर आते हैं, और हमने क्या करना है, सिंपली इसे इस तरह से घुमा देना है, बस इतना ही करना है हमने। और फिर से हम क्या करेंगे, इसे प्लेन कर देंगे, और इसे हम सेट करने के लिए ओवरनाइट रखने वाले हैं। इसके ऊपर हम लगा देते हैं फॉइल पेपर ताकि जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो इसमें ना बने, और आइसक्रीम जो है हमारी बिल्कुल मार्केट के जैसे स्मूथ बने। तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, और इसे हम रख देते हैं फ्रीज़र में। आइसक्रीम को हमने फ्रीज़र में ओवरनाइट रखा था, तो ये सेट हो चुकी है। चलिए इसे खोल के देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसे बनी है। तो हम फॉइल निकाल लेते हैं, आइसक्रीम हमारी यहाँ सेट हो चुकी है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। जामुन की आइसक्रीम यहाँ बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।